बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर स्वागत है। क्या हमारे जीवन में तिलों का महत्व होता है? बिल्कुल होता है। कौन कौन से तिल हमें शुभ लाभ देते हैं, हमारे जीवन में अच्छा प्रभाव देते हैं? जितना तिल गहरा होगा, काला होगा, उसका प्रभाव उतना ही अच्छा होगा। हमारे गले पर तिल होना बहुत अच्छा माना जाता है, कहते हैं। देखो, हमारे भी है, गले पर तिल होना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर किसी के गले पर तिल होता है और काला होता है तो जीवन में उनको सुख मिलता है और वो सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी वाणी भी उनके लिए काम करती है, उनका जीवन एक अच्छे पथ पर जाता है। और अगर किसी के छाती के मध्य में तिल हो तो कहते हैं वो बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि हमारी हृदय के आसपास तिल होना बहुत अच्छा माना जाता है। और छाती के बीच तिल होना इस चीज़ का प्रतीक होता है कि वो व्यक्ति शुभता का प्रतीक है, अच्छे स्वभाव वाला है, परिश्रमी है, मेहनत करता है। और कहते हैं विवाह के बाद तो उसका भाग्य उदय हो जाता है। अगर आपके नाक पर तिल है, हमारे भी है नाक पर तिल, तो नाक पर तिल के दो चार गुण भी होते हैं, एक दो अवगुण भी होता है। ये थोड़े गर्म स्वभाव के भी होते हैं, भाग्यवान भी बहुत होते हैं। और कहते हैं कि कामयाबी इनको बहुत मिलती है, 30 साल के बाद कामयाबी इनके साथ साथ चलती है। नाक पर तिल शुभता का प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है। ये जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव ला कर देते हैं, जो आपको अच्छा प्रभाव देते हैं। नाक पर जिसके तिल होता है वो कभी भी किसी की बुरी बातें सहन नहीं कर सकते हैं। कहते हैं नहीं, इसके तो नाक पर मक्खी नहीं बैठती है। तो कई बार जिनके नाक पर तिल होता है वो गुसेल स्वभाव के भी होते हैं, या ये कह सकते हैं कि गुसेल स्वभाव के ना होकर वो अगर कोई उनको तंग करता है तो एक दो बार माफ़ कर देते हैं, उसके बाद वो उनको अच्छी तरह से हैंडल करते हैं या उनको पूरा क्रोध करके दिखाते हैं। वो एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं कि हम इसके बाद आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। और हथेली पर तिल होना, कहते हैं जिन व्यक्तियों के जितना गहरा और काला तिल होता है उसका प्रभाव उतना अच्छा होता है। अगर किसी व्यक्ति की हथेली पर तिल है और हथेली को बंद करते वक्त जो तिल है वो उसके हाथ में आ जाता है तो धन का प्रतीक माना जाता है। उस व्यक्ति के हाथ में धन रहता है, जीवन में वो काफ़ी अच्छे कार्य करता है और अपने हाथों से दान धर्म करता है, तो हथेली पर जो तिल है वो शुभ माना जाता है। बहुत सारे भाग्यवान लोग होते हैं जिनके शरीर पर तिल होते हैं पर उनकी राशि नंबर्स कुंडली खराब होती है तो जीवन में बुरे प्रभाव रहते हैं। तो ये ना सोचें कि हमारी ये तिल है फिर भी हमारा जीवन इतना अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का एक अलग प्रभाव होता है। कुंडली का अलग प्रभाव है, राशि का अलग चलता है, हमारे में कौन कौन से योग बन रहे हैं उसका भी बहुत प्रभाव बनता है। फिर भी हमारे शरीर पर जो तिल है वो हमें कुछ ना कुछ प्रदान करके जाता है। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल लाइव भी आते हैं, आप लाइव के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारे 3 चैनल हैं, बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल, माँ काली साधना DMD, माता की चौकी स्मित भगतनी सेरिया धाम, तीनों में से आप जुड़ें, कोई भी समस्या है आप प्राप्त कर सकते हैं। बोलो जय श्री राम। तो आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप हमारी वीडियो देखा करो,